हेलो दोस्तों मैं हूं अश्विन रमनी और मैं लेकर आया हूं एक नए वीडियो आपके लिए और आज जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट का नाम है द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आपने शायद ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अखबारों में पढ़ा होगा आपने टीवी में देखा होगा या न्यूज चैनल्स में देखा होगा या आपने देखा होगा कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में काफी चर्चा करते हैं तो आखिर में ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है क्या ये क्या दर्शाता है और इसे हम क्या बेसिस पे यूज करके हम हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में इस वीडियो पे तो ये एफ आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है इट इज़ नथिंग बट द बैरोमीटर ऑफ इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से आपको यह पता चलता है कि इन्वेस्टर मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड आपको पता चलता है मार्केट्स का इसमें कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है या ओवरऑल ट्रेंड बेरिश चल रहा है अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं कि यह लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है इट इज नथिंग बट अ सेंटिमेंट एनालिसिस इंडिकेटर दैट रिलेट्स टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओपिनियंस और एक्शन अब ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है अगर आप देखोगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स में चार डिफरेंट कैटेगरी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं एक है क्लाइंट इज द रिटेल पब्लिक एक है आपका एफ आई आई आर दिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एक है डी आई आई विच आर द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और एक है प्रो ट्रेडर्स जो कि आपका प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेडर्स होते हैं अब इसमें से जो चारों जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मार्केट पार्टिसिपेंट है वो है एफ आई आई विच इज तो हम जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखने वाले हैं उसमें जो जिस मार्केट पार्टिसिपेंट का हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ट्रैक करेंगे वो होगा फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जिसे हम एफ आई आई की नाम से भी जानते हैं तो हम बात करेंगे कि ये एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता क्या है जब ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ता है या घटता है तो उससे क्या इंटरप्रेट करते हैं और इसमें ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट कैसे पता चलेगा वो हमें पता चलेगा डेटा एनालाइज करने से तो मैं आपको अप्रैल मंथ में जो एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशो का ट्रेंड था और सब्सिक्वेंटली मार्केट्स में जो रैली हुई थी वो उस दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे और मे में जो अब जो ये मे का एक्सपायरी जो स्टार्ट हुआ है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है एफ आई आई रेशो का और उसमें आप क्या क्यूज ले सकते हो उस डेटा से वो हम जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशो के बारे में अब एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट में दो वर्ड्स है एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट ये जो दो वर्ड्स है आपको टिपिकली फ्यूचर सेगमेंट में सुनने को मिलता है अब लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या है लॉन्ग इज नथिंग बट द बाई पोजिशन एंड शॉर्ट इज नथिंग बट द सेल पोजिशन अगर आप सुनते हो कि द ट्रेडर हैज गॉन लॉन्ग मतलब ट्रेडर ने एक बाई पोजिशन क्रिएट किया है या अगर आप सुनते हो कि ट्रेडर एज गॉन शॉर्ट मतलब ट्रेडर ने एक सेल पोजिशन क्रिएट किया है तो इसका क्यूमुलेटिव क्या इफेक्ट होता है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वो हम जानेंगे इस एग्जाम्पल से तो आपको ये डेटा पहले डाउनलोड करना पड़ेगा एन इंडिया के वेबसाइट से तो पहले हम डेटा डाउनलोड करेंगे फिर हम ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो कैलकुलेशन है वो उसको कैलकुलेट करेंगे और ऑलरेडी मैंने एक डेटा बनाया हुआ है फॉर द लास्ट मंथ एंड फॉर द करंट मंथ फिर उसको हम एनालाइज करेंगे चलिए सबसे पहले हम एन एस इंडिया के वेबसाइट में जाते हैं यहाँ पे आपको एक मार्केट डेटा का टैब मिलेगा आप जैसे ही मार्केट डेटा पे जाओगे आपको यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट्स मिलेगा आप डेली मार्केट रिपोर्ट्स पर जा सकते हो आपको ऊपर जो डेरिवेटिव ऑप्शन है उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर और यहाँ पर आप आर्काइव्स में जा सकते हो तो आज जिस डेट पर इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हो वो डेट है पाँच में तो हम एक रिसेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड करेंगे सो so यहाँ पे मैं सेलेक्ट डेट करता हूँ एंड आई विल सेलेक्ट फिफ्थ ऑफ मे तो जैसे ही मैं फिफ्थ में सेलेक्ट करता हूँ आप नीचे जाओगे तो आपको एक फ़ाइल मिलेगा एफ एन ओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड बटन मिलेगा आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और जैसे आप डाउनलोड करोगे आप इस एक्सेल फाइल को आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आप देखोगे ये है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट इन एक्विटी डेरिवेटिव एज ऑन मे फाइव तो ये मे फिफ्थ का डेटा है तो चलिए जानते हैं कि इस डेटा में आपको कौन से कौन से कॉलम्स अवेलेबल है तो जैसे कि मैंने बताया था आपके चार मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक आपका होता है क्लाइंट एक आपका होता है डी एक होता है आपका एफ और एक होता है प्रोस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एफ का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब इसमें कौन से कौन से कॉलम्स है अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जो फी कॉलम है उसमें आपका फ्यूचर इंडेक्स कॉलम है विच इज़ फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग तो फ्यूचर्स में कितने लॉन्ग पोजिशन है सी कॉलम अगर आप देखोगे वो है फ्यूचर्स इंडेक्स शॉर्ट मतलब फ्यूचर्स इंडेक्स में कितने शॉर्ट पोजिशन है अगर आप लॉन्ग प्लस शॉर्ट को दोनों ऐड कर दोगे तो आपको टोटल पोजिशन मिल जाएगा फिर आपका आता है फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग मतलब स्टॉक फ्यूचर्स जो स्टॉक्स में आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो उसमें लॉन्ग का पोजिशन क्या है फिर आपका फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट पोजिशन आता है फिर आपका कॉल लॉन्ग्स होता है विच इज बाई कॉल फिर आपका पुट लॉन्ग होता है विच इज बाई पुट्स एंड सिमिलरली आपको कॉल शॉर्ट विच इज कॉल सेल एंड पुट शॉर्ट विच इज पुट सेल इंडेक्स और स्टॉक दोनों के लिए आपको मिल जाएगा बट हमें जो दो कॉलम्स चाहिए वो है एक बी कॉलम और एक सी कॉलम जो कि फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग और एक है फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट और जो मार्केट पार्टिसिपेंट का हम देखने वाले वो है वो तो आपको बस के ऊपर ध्यान देना है यहां पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे द टोटल पोजिशन लॉन्ग पोजिशन प्लस शॉर्ट पोजिशन आपका बन जाता है टोटल पोजिशन तो अगर आप देखोगे एफ का ऑन फिफ्थ ऑफ में टोटल लॉन्ग पोजीशंस हैं 73,061 एंड इसे आप ऐड कर देंगे टोटल शॉर्ट पोजीशंस से विच इज़ 88,848 तो अगर आप देखोगे आपका जो टोटल पोजीशंस है वो आपका आता है 1 लैक 61,909 अब इसमें से हमें परसेंटेज ऑफ लॉन्ग पोजीशंस एंड परसेंटेज ऑफ शॉर्ट पोजीशंस कैलकुलेट करना है

तो आउट ऑफ टोटल पोजिशन अगर आपका फोर्टी फाइव परसेंट लॉन्ग पोजिशन है तो जाहिर सी बात होगा कि आपका जो शॉर्ट पोजिशन है दैट विल विल बी बी नियरली अबाउट तो वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा यहां पे तो आपको बस ये करना है आपको शॉर्ट पोजिशन सेलेक्ट करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल पोजिशन से और यहां पे आपको अच्छा यहां पे आपको एक परसेंटेज साइन भी डालना होगा और इसको आप दो डेसिमल से कर सकते हो तो अगर आप देखोगे 54.88

और उसी के साथ साथ आपको ओवरऑल ट्रेंड भी देखना पड़ेगा जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको अप्रैल मंथ में एफ का ट्रेंड क्या था वो आपको दिखाता हूं फिर हम देखेंगे मे के मंथ में एफ का ट्रेंड क्या चल रहा है और साइमल्टेनियसली हम देखेंगे कि मार्केट्स में क्या मूवमेंट आई थी बेस्ड ऑन दिस एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो और जरूरी बात यह भी है कि आप सिर्फ एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यूज करके आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज प्लान नहीं कर सकते जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि ये बस एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है तो आपको बस ओवरऑल मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है बुलिश सेंटिमेंट चल रहा है या बेरिश सेंटिमेंट चल रहा है बस उसी का अंदाजा आ जाएगा आपको एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से फॉर ट्रेडिंग यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ अदर टूल्स एंड इंडिकेटर्स जैसे आपने चार्ट देख लिया जैसे कोई इंडिकेटर्स देख लिया या डेरेवेटिव के कोई अदर इंडिकेटर्स आपने देख लिए विच विल अलाइन विथ वॉट द एस आर डूइंग तो आप दोनों को मिला के आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो ना कि ओनली रिलाई ऑन दी एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चलिए अब तो हम समझ गए कि हमें ये एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो डेटा कहा से मिलेगा और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है अब मैं आपको सबसे पहले अप्रैल एक्सपायरी का डेटा दिखाता हूं तो ये है मेरा अप्रैल मंथ का एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का ट्रेंड यहाँ पे मैं जरा नीचे जाता हूं सो आई मेंटेन दिस ऑन अ डेली बेसिस तो डेली बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट्स में एक्चुअली क्या सेंटिमेंट चल रहा है तो अगर आप देखोगे जो हमारा अप्रैल मंथ का एक्सपायरी था जो स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट थर्टी मार्च से और एंड हुआ था ट्वेंटी सेवेंथ अप्रैल को अगर आप देखोगे एफ ने लास्ट मंथ में क्या किया था ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च आप देखोगे जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था विच वॉज एट लेवन पॉइंट टू परसेंट मतलब एफ के पास ओनली लेवन परसेंट लॉन्ग पोजिशन थे वेर एज ऑलमोस्ट एटी नाइन परसेंट शॉर्ट पोजिशन थे अब कोई सिर्फ ये डेटा देखेगा एक दिन का तो वो सोचेगा कि जो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट है वो बेरिश है बिकॉज एफ आई आई आर हेवियर ऑन द शॉर्ट साइड बट हमें सिर्फ एक दिन का डेटा देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है आपको प्रीवियस डे या डेज से आपको कंपेयर करना पड़ेगा और साइड बाई साइड आपको ओवरऑल मार्केट्स में क्या चल रहा है वो भी आपको साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा तो आप देखो कि एफ आई आई ने पिछले एक्सपायरी में क्या किया था फ्रॉम ऑलमोस्ट लेवन पॉइंट टू परसेंट और उस टाइम थर्टी फर्स्ट मार्च को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था ऑलमोस्ट सेवनटीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी नाइन वो बढ़कर आ गया 16% परसेंट ऑन फिफ्थ अप्रैल फिर वो बढ़ गया 21% परसेंट ऑन टेंथ अप्रैल फिर वो बढ़कर आ गया 39% परसेंट ऑन थर्टीथ अप्रैल फिर वो बढ़कर आ गया 43% परसेंट ऑन ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल फिर वो बढ़कर आ गया ऑलमोस्ट 46% परसेंट तो आप देखोगे एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ऑलमोस्ट 11% से बढ़ के आ गया फोर्टी पर एंड एट द सेम टाइम आप देखो निफ्टी जो सेवनटीन पर था वो ऑलमोस्ट so तो आप आप तो क्या सेंटीमेंट चल रहा है तो इसी साइड में मैं इसको या आपको या ग्राफिकल वे में भी बताता हूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एफ आई आई के जो इंडेक्स फ्यूचर्स है अब गौर कीजिएगा इनके शॉर्ट पोजिशन में आप देख रहे हो शॉर्ट पोजिशन लगातार शॉर्ट पोजिशन है वो आपके और ये जो ब्लू बार्स है वो आपके लॉन्ग पोजिशन है आप देख रहे हो आपके जो लॉन्ग पोजिशन है वो स्टेडिली बढ़ती जा रही है और एफ उनके शॉर्ट पोजिशन को स्टेडली कट करते जा रहे हैं जिसके वजह से हमें मार्केट्स में पिछले मंथ में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी जिसे आ, काफी लोग ने इसको शॉर्ट कवरिंग रैली भी बोला था अब मैं अगर निफ्टी की चार्ट बताऊं आपको सो लेट सी द मूवमेंट फ्रॉम थर्टी मार्च अंटिल ट्वेंटी अप्रैल तो ये मेरे स्क्रीन में निफ्टी का डेली चार्ट है मैं यहाँ पे थर्टी फर्स्ट मार्च पे चले जाता हूँ जैसे उस दिन हमने देखा था कि निफ्टी का प्राइस था सेवनटीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी नाइन आप देख रहे हो कि फ्रॉम ऑलमोस्ट सेवनटीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी नाइन और ट्वेंटी सेवेंथ अप्रिल को ये पॉच ये बढ़कर आ गया सेवनटीन तो ये आप देख रहे हो कि इसके पहले जो ट्रेंड था वो काफ़ी बैरिश था बिकॉज एफ के शॉर्ट पोजिशन काफ़ी ज़्यादा थे एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजिशंस बट जब एफ ने अपने शॉर्ट पोजिशन कम करना स्टार्ट किया और लॉन्ग पोजिशन को बढ़ाना स्टार्ट किया अब साइमल्टेनियसली देखो मार्केट्स में भी एक तेजी देखने को मिली थी ये था अप्रैल का ट्रेंड तो इसी वे में हम एफ का लॉन्ग शॉर्ट डेटा को देखते हैं वी डोंट लुक एट वन पर्टिकुलर डे बट हम डेली ट्रेंड देखते तीन चार दिन का ट्रेंड देख के हम आइडेंटिफाई करते कि ओवरऑल में क्या मार्केट सेंटिमेंट है अब मैं आपको दिखाता हूं कि मई मंथ में क्या ट्रेंड चल रहा है एफ का तो ये मेरा मे का डेटा है तो मैं मे का डेटा आ जाता हूं तो मे का जो एक्सपायरी है वो स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी एट अप्रिल को तो ट्वेंटी एट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सो ऑलमोस्ट फाइव डेज ही हुआ है मे एक्सपायरी में तो एफआईआई का रेशियो स्टार्ट में फोर्टी टू पॉइंट सेवन एट परसेंट था जब निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था एटीन थाउजेंड सिक्स फिर बढ़कर हो गया फिफ्टी वन परसेंट तो आप देखो नाउ एफ आई आई आर नेट लॉन्ग बिकॉज फिफ्टी वन परसेंट लॉन्ग पोजिशन है और सिर्फ फोर्टी नाइन परसेंट शॉर्ट पोजिशन है यह काफी टाइम बाद ऐसे हुआ था कि द नेट एज कंपेयर टू नेट शॉर्ट बट अगले दिन क्या हो गया था फ्रॉम फिफ्टी वन परसेंट यह एफ आई आई रेशियो गिर कर फोर्टी फाइव पॉइंट एट नाइन परसेंट ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट ड्रॉप हो गया एंड एफ आई आई अगेन बिकेम नेट सेलर्स योर एज कंपेयर टू नेट पायर्स और फिर उसके बाद बढ़कर 47 हो गया और फिर ये 45 हो गया था तो ये जो 6 परसेंट ड्रॉप हुआ था फ्रॉम सेकेंड में टू थर्ड में वो शायद ही कुछ इंडिकेशन दे रहा था कि एफ ने अपना अगर शॉर्ट पोजिशन बढ़ा दिया है और लॉन्ग पोजिशन कम किया है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकता है तो अगर आप देखोगे निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ अप्रैल फ्रॉम ऑलमोस्ट 18,065 निफ्टी Uh, ने हाई 18,200 तोड़ने की कोशिश भी की थी 18,255 में क्लोज हुआ था और कल ऑलमोस्ट वन परसेंट निफ्टी गिरा था यहां पे तो ये ऑब्वियसली दिस वाज़ फॉर द न्यूज इजन जो एच का न्यूज था ऑलमोस्ट बोथ एच एंड एच बैंक ऑलमोस्ट फाइव फाइव एंड हाफ परसेंट गिरे थे बिकॉज देर वॉर सम न्यूज दैट एट कम इन बट इफ आई हैव टू टेक असाइड दैट न्यूज एंड रिलाई ओनली ऑन वॉट दी एफ आई आज आर डूइंग तो एफ आई आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में एक क्यू तो मिल गया था कि शायद ऐसे एक माइनर करेक्शन या एक माइनर सेल ऑफ आ सकता है मार्केट्स में मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर यह लिखकर बताएगा कि आपको डेरिवेटिव से जुड़े हुए जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए ताकि मैं उस वीडियो को आपको इसी सरल वे में समझा सकूं चलिए दोस्तों मैं आपसे जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ थैंक यू